इजरायली सेना के हमलों से गाजा पूरी तरह जलकर राख हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी गाजा में हमास पूरी ताकत से आईडीएफ पर हमले कर रहा है और बदले की आग में जल रहा हिजबुल्ला उत्तरी इसराइल को हर सेकंड हर मिनट दहला रहा है। हिजबुल्ला के भीषण हमलों की वजह से दोनों देशों के बीच जंग का मैदान तैयार हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद हिजबुल्ला के हमलों में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि अब हिजबुल्ला का हर एक हमला एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। और इसी कड़ी में अब हिजबुल्ला ने इसराइल पर एक बार में 100 से ज्यादा कत्यूशा रॉकेट्स फायर किए हैं। हिजबुल्ला ने इस हमले में इसराइल को 100 ग्रेड टाइप रॉकेट्स से दहलाया है। हिजबुल्ला का दावा है कि उसने इसराइल के कब्जे वाले गोलान इलाके में ये रॉकेट्स दागे हैं। हिजबुल्ला का ये भी कहना है कि उसने आईडीएफ की 210वीं बशान टेरिटोरियल डिवीजन के नाफा बैरिक्स में बने हेडक्वार्टर और कैला बैरिक्स में आईडीएफ की एयर डिफेंस कमांड की नॉर्दर्न रेजिमेंट और एयरफोर्स सेक्शन पर हमला किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक दिन में ही आखिर हिजबुल्ला ने इतना बड़ा हमला क्यों किया? तो आपको बता दें कि इन हमलों से पहले आईडीएफ ने एक हवाई हमले में दक्षिणी लेबनान के टायर तटवर्ती शहर में हिजबुल्ला के कमांडर मोहम्मद नाहिम नासिर को मार गिराया था, जिसके बाद हिजबुल्ला ने बदले की आग में आईडीएफ पर इतना बड़ा जवाबी हमला किया है। हिजबुल्ला का दावा है कि उसने 210वीं टेरिटोरियल डिवीजन कमांड्स की 6 ब्रिगेड पर हमला किया है। इसके अलावा एक सिंगल्स बटालियन और कॉम्बैट इंजीनियरिंग कंपनी पर भी हमला किया गया है। और इन हमलों के बीच बड़ी बात यह है कि हिजबुल्ला के इन अटैक्स की खबर इसराइल से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स में भी आई है, जिन्होंने गोलन इलाके में उठ रहे धुएं के गुबार के वीडियो शेयर किए हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि नाफा और कैला सैन्य अड्डों के बीच 13 किलोमीटर की दूरी है, जबकि नाफा बैरिक्स फ्रंटलाइन से करीब 23.5 किलोमीटर दूर है। और ये वो इलाके हैं जहां से इजरायली सेना पहले पीछे हटी थी। इन हमलों के अलावा हिजबुल्ला का ये भी कहना है कि उसने किरियत शमोना बैरिक्स में 769वीं हीराम टेरिटोरियल ब्रिगेड्स के हेडक्वार्टर पर फलक रॉकेट से हमला किया है। वहीं कैला बैरिक्स पर हमले को लेकर हिजबुल्ला का कहना है कि उसने यहां पर पैदल सेना के एक अड्डे पर ग्रेड टाइप रॉकेट दागे हैं और इसी हमले के दौरान हिजबुल्ला के लड़ाके इसराइल की जारेद बैरिक्स पर हैवी कैलिबर बुरकन रॉकेट से हमला कर देते हैं। आपको यहां पर ये जरूर बता दें कि हिजबुल्ला ने जिन बुरकन रॉकेट से आईडीएफ के इस बेस पर हमला किया है, वो रॉकेट 500 किलो तक का विस्फोटक या हथियार ले जा सकता है, जिससे यह साफ होता है कि बुरकन रॉकेट का हमला कितना भीषण रहा है। और यही वजह है कि इन हमलों की वजह से पश्चिमी अपर जलील से लेकर अल जलील पनहंदेल तक कब्जे वाले गोलन के कई इलाकों में हवाई हमलों के कई बार सायरन बज उठे। इस सब के बीच लेबनान बॉर्डर पर मौजूदा हालातों को देखकर अब हिजबुल्ला और इजरायली फौज के बीच सीधा युद्ध तय माना जा रहा है। लेकिन अंदर की कई ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जिनसे ये बात साफ हो गई है कि हिजबुल्ला से लड़ने के लिए आईडीएफ फिलहाल तैयार नहीं है। आईडीएफ के पास हथियार और गोला बारूद भी पर्याप्त नहीं है। ऊपर से पिछले 8 महीनों से चल रहे युद्ध की वजह से आईडीएफ के जवान मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुके हैं।